25 मिनट बाद गाड़ी चाबी मिली है। इसको निकाल लूं अब। इस हमले में मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद शहीद और जख्मी हुई, लेकिन कैप्टन सरवर ने पेशकदमी जारी रखी। दुश्मन के मोर्चे के करीब पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ 20-25 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ रोड के दरमियान। वैगन वाला चाबी ले गया था निकाल के, बदमाशी करते हैं फिर। अकेला बैठा हुआ मैं क्या करूँ। चले अल्लाह का शुक्र है दूसरी चाबी थी घर पे, अब एक चाबी बनवा लेते हैं। पुलिस वाले को फ़ोन किया, 130 पे फ़ोन किया मोटर वाले को। मोटर वाले कहते हैं हमारा काम नहीं है। पुलिस वालों ने काफ़ी हेल्प की है, 2-3 दफ़ा कॉलें की, कहते हैं हमारी हेल्प चाहिए तो हम आ जाते हैं। मैं गाड़ी बस दरमियान में खड़ी है, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है मेरी वजह से। हुई तो नहीं ऐसे खास, यहाँ ट्रक रुके होते हैं, मेरी मोटरसाइकिल और मेरी गाड़ी का क्या होना है। चलें अल्लाह खैर करे तो चाबी मिल गई है अब अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे लगाते हुए आ रहे थे और ओवरटेक दोनों साइडों से मुझे कर रहे थे, घबरा गया, हल्का सा स्टीयरिंग टेढ़ा हुआ है, उस स्पीड में था, उनको ब्रेक लगानी पड़ी तो उन्होंने मुझे आगे आके रोक लिया। बस दिमाग उस पर काम नहीं किया और वैगन का नंबर नोट नहीं कर पाया, बाकी तो सब ठीक है। हम सारे अच्छे हैं और चाबी लेके आ गए हैं हम। एक सामने प्लाजा बन रहा है बैरिया हमसायों का, उनको कॉल किया, कहते हैं मैं आ जाता हूँ, मैं आप घर चाबी चाहिए बस, हेल्प तो किसी की नहीं चाहिए। 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ ना कोई, उन्होंने कोई जिस्मानी तशद्दुद किया है। गाड़ी में पैसे खड़े थे पड़े हुए थे तो मैं हिल नहीं पाया, यहाँ से आगे पीछे मूव नहीं कर पाया। बाकी बंदे यार दिमाग काम नहीं करता, मतलब उस वक्त तो बंदे को अपनी पड़ी होती है। आके उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं भाई क्या हो गया इनको, गालियाँ निकाली हैं और चाबी निकाली है, कहते हैं मोटर वालों से जाके ले लेना, PSO पंप पे खड़े होंगे। और मैं अकेला वहाँ बैठा हूँ, गाड़ी में पैसे पड़े हुए हैं। चलो नया एक्सपीरियंस था आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा, ना कोई गलती ना कोई मसला ना मसाइल, बस आधा घंटा ज़ाया किया उन्होंने सड़क के दरमियान खड़ा करके। और अभी घर जा रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि सेव हो जाए और मेमोरी सेव हो जाए, कोई 10-15 साल बाद कोई बंदा देखे या मैं देखूँ तो एक एक्सपीरियंस वो होता है। ठंडे पसीने आ गए थे उस वक्त, इनको क्या हो गया, ना गाड़ी का नुकसान हुआ है ना मेरा कोई नुकसान हुआ है ना कोई पैसे उन्होंने निकाले हैं, बस चाबी निकाली है, कहते हैं चाबी जाके उनसे ले लेना और गालियाँ निकाली हैं। अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। चलें जी, जब ये PWD अंडरपास बनेगा तो मेरी भी कहानी लिखी होगी इसमें। चलें जी, वो वीडियो बड़ी लंबी हो गई है और ये नेवल एनकेज का पुल आ गया, यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ। बेगम को कॉल की है, हमसाये को कॉल की है, चाबियाँ ढूंढने में टाइम लगा है, इतनी देर में हमसाया आ गया। मैंने
से बुला लिया था, मैं गाड़ी में तो आके बैठ, मैं जाके मोटर वालों से चाबी लेता हूँ। तो उसने भी काफ़ी टाइम लगा दिया, इतनी देर में चाबी मिल गई, फिर वो वापस घर गया। हमसाए भी अच्छी हैं, अल्लाह का शुक्र है। चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और थैंक यू देखने वालों, इतनी लंबी वीडियो देखी, बस एक मेमोरी सेव करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।